गुप्ता पीरियड, और इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, है ना। इससे एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। ये डेट जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल याद मत करना, ये मैं सिर्फ अपने उसके लिए लिख रहा हूँ, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, 319 टू 550 CE। इसके फाउंडर हैं श्री गुप्ता, श्री गुप्ता, ठीक है। कुछ इस टाइम पीरियड के कुछ सोर्सेस की हम बात कर लेते हैं पहले, या एक इंपॉर्टेंट चीज, एक जो क्वेश्चन हमेशा बनता है वो ये है कि दिस पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड और क्लासिकल एज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया और क्लासिकल एज, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, डिफरेंट एग्जाम्स में, कि कौन सा पीरियड है जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है या क्लासिकल एज कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो है आपका गुप्ता पीरियड, वो है आपका गुप्ता पीरियड, एंड इट इज द गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। अब आर्ट एंड लिटरेचर का जब ये गोल्डन पीरियड है, तो इस वक्त कौन कौन लोग काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये गोल्डन एज हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इस वक्त का है द फेमस कालिदास, कालिदास, एंड ही इज राइटिंग अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम एक संस्कृत टेक्स्ट है, पूरा नाम याद ना रहे, अभिज्ञान पूरा याद ना रहे, आप सिर्फ शकुंतला याद कर लो, है ना। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये किसने लिखा था? कालिदास ने, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ कालिदास। एंड देन वी हैव मेघदूत, एंड रघुवंशा, दीज आर ऑल संस्कृत टेक्स्ट। ये सारे क्या हैं? संस्कृत टेक्स्ट हैं, एंड दीज थ्री आर रिटन बाई कालिदास। इनफैक्ट कालिदास की एक और प्ले है मालविका, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्नि मित्रम, मालविका अग्नि मित्रम, इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्ले ऑफ कालिदास, फर्स्ट प्ले ऑफ कालिदास। देखिए इन सब में हालांकि शकुंतला जो है ये सबसे फेमस है, ये बुक जो है ये सबसे फेमस है कालिदास की। देन वी हैव हिज फर्स्ट प्ले मालविका अग्नि मित्रम, देन वी हैव मेघदूत एंड रघुवंशा। कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ये जरूर याद रखना, कालिदास की बुक शकुंतला, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे ऑथर्स हैं इस टाइम पीरियड के, फॉर एग्जाम्पल वी हैव साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स एज वेल, लाइक आर्यभट्ट। इस टाइम पीरियड में और कौन प्ले कर रहा है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर। वराहमिहिर वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, इनकी बुक है बृहद संहिता, बृहद संहिता। इसी तरीके से डांस और ड्रामा की, पहली बार कोई बुक डांस और ड्रामा की है, दैट इज नाट्य शास्त्र, रिटन बाय भरत मुनि। भरत मुनि ही इज राइटिंग नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, दिस इज अ बुक ऑन डांस एंड ड्रामा। तो ये जो टाइम पीरियड है गुप्ता टाइम पीरियड जो है, ये आर्ट और लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है, आर्ट एंड लिटरेचर के लिए बहुत फेमस है। और कुछ बहुत प्रोमिनेंट मेजर ऑथर्स एंड साइंटिस्ट दे आर वर्किंग
ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो इन लोगों के नाम इस पीरियड में रेलिवेंट है। अब इसके अलावा एक जो दूसरा फैक्टर है, ये क्लासिकल एज का तो की तो बात हो गई कि क्यों क्लासिकल एज या क्यों गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ये सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं। पहली बार इंडिया में टेंपल का एविडेंस इसी टाइम से मिल रहा है जी। सर मैकदूत, मेघदूत कालिदास, ये है तो ये सारी बुक्स कालिदास की हैं, ये यहां से यहां तक, ठीक है। यस सर। अब एक चीज और जो है, इंडिया में जो पहला टेंपल का एविडेंस मिल रहा है, फर्स्ट टेंपल, ये गुप्ता पीरियड से ही मिल रहा है। फर्स्ट टेंपल, इससे पहले इंडिया में टेंपल्स वगैरह नहीं होते थे। फर्स्ट टेंपल का एविडेंस जो है वो यहां हमें गुप्ता पीरियड से मिल रहा है। और बाकी सोशल सिस्टम जो है, सोशल सिस्टम में मैंने आपको जो वर्णा सिस्टम बताया था, अब स्टेटस ऑफ वेमेन और शूद्रा जो अनटचेबल्स हैं उनकी स्थिति खराब हो रही है। बहरहाल वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। ये फीचर्स एटलीस्ट आप इस टाइम पीरियड से, गुप्ता पीरियड से आप अपने जहन में रखिएगा। पहला, ये गोल्डन एज है या क्लासिकल एज है बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट एंड लिटरेचर। कुछ स्कॉलर्स के नाम अगर याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैंने बात किया था दैट पहले जो टेम्पल्स हैं वो इस पीरियड में डेवलप हो रहे हैं। जो पहला मेजर रूलर है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है इसका, वो है चंद्रगुप्त द फर्स्ट। अब कंफ्यूज मत होना, वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये सिर्फ चंद्रगुप्त है, चंद्र गुप्ता फर्स्ट, है ना। और इसके टाइम पीरियड से स्टार्ट हो रहा है गुप्ता एरा, गुप्ता एरा, पॉसिबली अराउंड 390 कॉमन एरा सी, ठीक है। ये पहला मेजर इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता पीरियड का। और इसके टाइम पीरियड से, जिस साल ये गद्दी पे बैठ रहा है, जिस साल ये पावर में आ रहा है, उस साल से गुप्ता एरा का स्टार्ट हो रहा है। हिज सक्सेसर समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला तो इसके दो टाइटल्स हैं, समुद्रगुप्त के दो टाइटल्स हैं। पहला टाइटल है इंडियन नेपोलियन, ही हैज बीन कॉल्ड एज इंडियन नेपोलियन। एंड सेकंड इसका जो टाइटल है, हीरो ऑफ 100 बैटल्स, ये एग्जाम में पूछता है, हीरो ऑफ 100 बैटल्स। ये दो टाइटल्स जो हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त, ठीक है सर। इंडियन नेपोलियन टाइटल किसने दिया था? ये एक स्कॉलर है, वीए स्मिथ, कॉलोनियल स्कॉलर है वीए स्मिथ, उसी ने ये दोनों टाइटल्स दिए हैं। बहरहाल वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बस ये टाइटल्स याद रह जाएं, दैट इज सफिशिएंट, इंडियन नेपोलियन एंड हीरो ऑफ 100 बैटल्स, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें एक अशोक का पिलर है, अशोकन पिलर एट प्रयाग। प्रयाग जो पहले इलाहाबाद था और अभी प्रयागराज है, वहां पे एक अशोक का पिलर है। उसी अशोक के पिलर पे इसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सेम अशोक के पिलर पे ही। और उस इंस्क्रिप्शन को कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखी गई कोई चीज, प्रशंसा मतलब तारीफ में लिखी गई कोई चीज। तो समुद्रगुप्त का एक कोर्ट पोएट था, उसका नाम था हरिसेन। किसने लिखा था ये? ये एक इनका कोर्ट पोएट है हरिसेन। तो हरिसेन ने, अब जाहिर सी बात है, वो समुद्रगुप्त की तारीफ में उसने कुछ चीजें लिखी हैं, और वो चीजें कहां पे हैं? अशोकन पिलर के ऊपर खुदवाई गई हैं। तो ज्यादातर इसकी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल रही है, ठीक है। हु इज हरिसेन? हरिसेन इज द कोर्ट पोएट, राजकवि है। राजकवि किसका है? समुद्रगुप्त का है, ठीक है। ये आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है, इनके टाइटल्स। गुप्त का था राज, मतलब कोर्ट, हरिसेन सर, हरिसेना जो था कोर्ट पॉइंट जो था वो
कलकत्ता, पोएट इज समुद्रगुप्त का, अशोक का नहीं, ओके कंफ्यूज सर। मत होना, ये अशोक का, हाँ अशोक का पिलर है ये, सिर्फ अशोक ने जो पिलर लगवाए थे उसी के ऊपर इसने ये प्रशस्ति लिखवा दी, है ना, लिखा इसने था हरिसेन ने, और ये किसके लिए लिखा था, समुद्रगुप्त के लिए लिखा था। चंद्रगुप्ता सेकंड, और चंद्रगुप्ता सेकंड एक फेमस है एज विक्रमादित्य, विक्रम आदित्य, आप लोगों ने शायद विक्रम बैताल की कहानी सुनी होगी, विक्रम बैताल, इट इज पॉसिबली विक्रम, हाँ विक्रमादित्य, ये इसी से एसोसिएटेड है। इनफैक्ट बैताल जो है, बैताल वॉज नवरत्ना, नवरत्ना जैसे अकबर के कोर्ट में है, इसके कोर्ट में भी कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं, जैसे कालिदास है ना, कालिदास वॉज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकंड, तो उसी तरीके से बैताल भी इसके कोर्ट का एक मिनिस्टर है, एक स्कॉलर है, एक विट है ना, तो द स्टोरी ऑफ विक्रम एंड बैताल इज एसोसिएटेड फ्रॉम हियर। नाउ एक चीज जो आपके एग्जाम में आता है, अगर आप लोगों को मालूम हो कि कुतुब मीनार अगर आपने विजिट किया होगा, तो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में एक आयरन पिलर है, आयरन पिलर इन कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब मेहरौली, मीनार के मेहरौली में, मेहरौली में एक आयरन पिलर है, पॉसिबली ये जो आयरन पिलर है इट बिलोंग्स टू दिस रूलर चंद्रा, वहां पे जो रूलर का नाम लिखा हुआ है वो है चंद्रा, सो पॉसिबली इट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर रूलर। और अब मैं जब कह रहा हूं कि गोल्डन एज, तो गोल्डन एज ऑफ साइंस भी हो गया ये, क्योंकि ये आयरन पिलर उस जमाने का है और ये अभी तक खुले में है, अगर आपने विजिट किया है तो आपने देखा होगा इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई रस्टिंग नहीं हुई है, इसका अलॉय इतना बेहतर है, इसका अलॉयिंग इतना बेहतर किया गया है कि इसके ऊपर कोई भी रस्टिंग नहीं की गई है, तो ये किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग कर रहा है ना। तीसरी चीज, एक चाइनीज ट्रेवलर है फा हियान, ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता दी सेकेंड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता दी सेकेंड। ये कौन है फाहियान? ये एक चाइनीज है, ठीक है। एंड द लास्ट एस्पेक्ट रिगार्डिंग चंद्रगुप्ता दी सेकेंड इज, अभी मैंने जो जिक्र किया था, ही हैड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन हिज कोर्ट, उनको कहा जाता था नवरत्नाज या नाइन ज्वेल्स। अब ये नवरत्ना में कौन कौन थे, मैंने नाम आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर, अमर सिन्हा, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना कि अगर एंशियंट इंडिया में नवरत्ना की बात आ रही है, कालिदास की बात आ रही है, तो वो किस पीरियड में है, अभी मैंने लिखा भी था, वो किस पीरियड में है, चंद्रगुप्ता दी सेकंड के टाइम पीरियड में। कुमार गुप्त दी फर्स्ट, कुमार गुप्त दी फर्स्ट, ही फाउंडेड दी नालंदा यूनिवर्सिटी, ही फाउंडेड दी नाल यूनिवर्सिटी। देखिए एंशियंट इंडिया में तीन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थी, एक थी तक्षशिला अफगानिस्तान में, दूसरी नालंदा और तीसरी विक्रमशिला। तो नालंदा यूनिवर्सिटी ये गुप्ता पीरियड में बन रही है, कुमार गुप्ता दी फर्स्ट, है ना, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मपाल करके एक रूलर है पाल डायनेस्टी के, पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, अर्ली मेडिवल पीरियड की बात हो रही है, वो बना रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड दीज यूनिवर्सिटीज विल बी डिमोलिश्ड ड्यूरिंग दिस सल्तनत पीरियड, वो मैं उस वक्त डील करूंगा, फिलहाल के लिए आप याद रखो कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है, ये है कुमार गुप्त, यहीं पे नोट बना के लिख लेना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इट वॉज फाउंडेड बाई धर्मपाल, ये गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड नहीं है, ये पाल रूलर है, बट नोट बना के यहीं पे लिख लो तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज
Gupta period is concerned. And the last Gupta ruler is your Vishnu Gupta. Vishnu Gupta. आगे चल के कोई भी एम्पायर वीक होता है और फिर डिक्लाइन होता है, तो लास्ट गुप्ता रूलर याद रह जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर गुप्ता पीरियड.